गुड मॉर्निंग बाळको, आजे आपणे धोरण 5 માં હિન્દી વિષયમાં પુનરાવર્તન 1 નો અભ્યાસ કરીશું। આપણે 1 થી 4 પાઠનો અભ્યાસ કરી લીધો, હવે પુનરાવર્તન 1 આવે છે તો એનો અભ્યાસ કરીએ। પ્રશ્ન 1 કે નિમ્નલિખિત અંકો કે શબ્દો કો ઢૂંઢ કર નીચે ક્રમ મે લખીએ। હવે અહીંયા કૌંસમાં તમને અંકો આપેલા છે, ये अंकों ने तमारे अहीं शब्दों में शोधवाना छे। शू शब्दों में आ पहलो अंक छे 26, एने हिंदी में शू कहीशू 26, तो 26 आ रीते आपने चौरस कोष्टक बनावी देशू। 25 छे 25, तो आ रू 25 आ रीते आम चौरस कोष्टक बनावी देवानो। एवी ज रीते आ बधाज अंकों आपणे अन्नी अंदर थी शोधीने एने आपणे शब्दों में लखीशू अने आ रीते चौरस कोष्टक आ रीते राउंड मारीने बनावी देवानो। अने नीचे तमारे शब्दों में लखी देवानो के नंबर 1 26 25 45 22 23 36 44 46 31 30 32 अने 41 आ आपणे शब्दों में लख्या। अहीं आपणे एना राउंड शेप कर्या अने अहीं नीचे शब्दों में लख्या। હવે પ્રશ્ન 2 છે કે ઉપર આપણે જો શબ્દ લખીએ ઉનકા ઉચ્ચારણ કીજીએ, તો આપણે આ શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરવાનું છે એટલે કે બોલવાનું છે, તો આ શબ્દો તમારે બોલવાના। પછી છે કે નીચે દિયે ગયે ચિત્રો કો દેખ કર કહાની પૂર્ણ કીજીએ, પૂરા કરને મે દિયે ગયે શબ્દો કો મદદ લે સકતે હૈ, તો અહીંયા ચિત્રો આપેલું છે કહાની બનાવવાની છે આ ચિત્રોના આધારે, એન એક કહાની બનાવવા માટે તમને શબ્દો આપેલા છે। અહીંયા જુઓ કે સહી વિકલ્પ ચુનકર બંદર બાંટ કહાની લખીએ, તો આ વાર્તા છે એ વાર્તાનું શીર્ષક કયું છે, તો બંદર બાંટ। હવે આ જે શબ્દો આપ્યા છે એ શબ્દો તમારે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં મૂકવાના, એટલે તમારી આખી વાર્તા બની જાય। સફેદ, કાલી, બંદર, ઝઘડને, ભારી, સારી, દો, રોટી, ભૂખ, તરાજુ, ટુકડા, પછતાવા અને હલકા। તો જો અહીંયા આપણે વાર્તા મેં શબ્દો લખી દીધા છે એટલે વાર્તા આખી સરસ બની ગઈ છે। એક બાર કી બાત હૈ, દો બિલ્લિયા થી, એક સફેદ ઓર એક કાલી, દોનો કો ભૂખ લગી, ઉન્હેં એક રોટી મિલી, वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। बे बिलाड़ियो शू करे छे, एक रोटली मरे छे एटले बन्ने झगड़वा लागे छे। इतने में एक बंदर आया, कोण आवे छे, एक वांदरो आवे छे। वह तराजू लाया, ते शू लावे छे, त्राजवा लावे छे। उसने रोटी के दो टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए, तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। त्राजवा में रोटली ना मूके छे एटले एक पल्लू शू थाय छे, भारी होय छे, वजन थी नीचे होय छे, ने एक बीजू पल्लू हल्कू होय छे एटले ए ऊपर होय छे। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लिया, तो वांदरो शू कहे छे के जे पल्लू भारी हतुं एमांथी थोड़ी रोटली कापीने ए वांदरो खाई जाय छे। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली, एवी रीतना ए बधी ज रोटली खाई जाय छे। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ, अने पछी बन्ने बिलाड़ियों ने पछतावानो वारो आवे छे। अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। प्रश्न 4 में शू छे के अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोली, तो अपने पाठशाला मेरी पाठशाला विषे तमारे 10 से 12 वाक्य तमारे लखवाना છે અને તૈયાર પણ કરવાના છે। એ મેં 10 થી 12 વાક્યો લખ્યા છે નોટબુકમાં, એવું તમને બતાવું। અરે જો મેરી પાઠશાલા, તો મેરી પાઠશાલા બહુત અચ્છી હૈ, ઇસકા નામ સરસ્વતી વિદ્યાલય હૈ। તમે ગમે તે સ્કૂલનું નામ લઈ શકો, ઉદ્ગમ વિદ્યાલય પણ લખી શકો, સરસ્વતી વિદ્યાલય પણ લખી શકો। પાઠશાલા કી ઇમારત અચ્છી હૈ, ઇસમે 10 કમરે ઓર 1 સભા ભવન હૈ, પુસ્તકાલય ઓર કાર્યાલય કે લિયે અલગ અલગ કમરે હૈ। પાઠશાલા મેં પહેલી સે 8વી કક્ષા તક કી પઢાઈ હોતી હૈ, પાઠશાલા કા સમય સુબહ 11 બજે સે શામ 5 બજે તક કા
है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है। इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। तमे तमारी रीते पण तमे मेरी पाठशाला विषे वाक्यो लखी शको। एना पछी छे के प्रश्न पांच, आपको पाठशाला में तो नंबर एक क्या क्या पसंद है अने नंबर बे क्या ना पसंद है। तो मैं लख्यू छे के क्या क्या पसंद है, तो आपने आपनी शाला मते आपने शू पसंद छे। तो मुझे पाठशाला का भवन एले के सारा नु मकान, पछी बगीचा, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त पसंद है। मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। अबे नंबर बे, क्या ना पसंद है, तो तमने क्यों पसंद नथी। तो मुझे अनियमित छात्र ना पसंद है। तो जे अनियमित छे विद्यार्थी ए मने पसंद नथी। स्कूल में अनियमित आवतो होय ए मने पसंद नथी। मुझे कठोर अध्यापक ना पसंद है। मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा ना पसंद है। इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी ना पसंद है। आ गमे त्यां कचरो नाखी देता हो एवा विद्यार्थी पण मने गमता नथी। तो अहीं आपनो पुनरावर्तन एक पूरु थाय छे। तो तमारे आ पुनरावर्तन एक नोटबुक में लखवानो छे। तो केवी रीते लखशो नोटबुक में, तो तमारे नोटबुक में पुनरावर्तन एक नुं हेडिंग मारवानुं छे। पछी तमारे आ प्रश्न एक जे आ अंको में आप्या छे ए अंको लखवाना छे अने सामे शब्दों में लखवाना छे। अंको में अने शब्दों में आ तमारे दोरवानो नथी। आ अंको आपेला छे ने अहींया 26, तो अहींया 26 अंको में लखवानुं अने सामे शब्द में लखवानुं। ए रीते अंको में अने शब्दों में लखवानुं छे। प्रश्न बे पछी आवशे प्रश्न त्रण, वार्ता छे। तो आ वार्ता तमारे चित्र दोरवानी नहीं, फक्त सूचना लखी अने आ वार्ता तमारे लखवानी छे। आ जे आखो फकरो छे ए वार्ता तमारे खाली जग्या साथे लखी देवानी अने उपर शीर्षक आपी देवानुं के बंदर बांट अने पछी आ वार्ता लखी देवानी। अने पछी प्रश्न चार अने पांच मैं लख्या छे ए तमने फोटा पाड़ीने हुं मोकलीश, ए तमारे लखी देवाना।